हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन इस चीज़ को क्या है कि मानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और इनको ये लगता है गाइस कि इनको कोई प्यार नहीं करता, ये प्यार के लायक है ही नहीं और इनको कोई समझ नहीं पाता। ये सब इनके दिमाग में चलता रहता है। हो सकता है कि इनके साथ ये, हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हैं और वहाँ पर इनके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इनकी सोच ऐसी बन गई, या फिर पास्ट में या आपसे पहले कोई इनके साथ रिलेशनशिप में या किसी के साथ रहे हैं, कोई इनके साथ रिश्ते में रहा है जिसने ऐसा इनको किया कि वो इनको छोड़कर चला गया, या वो इंसान को ये प्यार देते रहे वो इनको नहीं समझता था। ऐसा कुछ भी इनके साथ हुआ होगा जिसकी वजह से इनके दिमाग में ये सारी बातें चलती हैं कि इनको कोई नहीं समझता, कोई इनको प्यार नहीं करता, ये प्यार के लायक हैं ही नहीं, ये सब इनको लगता है। और ये इंसान आपसे प्यार करते हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा है कि ये आपकी तरफ ध्यान देना नहीं चाहते, फिर भी आपकी तरफ इनका ध्यान जाता है। सोल कनेक्शन यहाँ पर ऐसा है कि स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये इंसान सोचते हैं आपको याद नहीं करना, फिर भी आपको याद करते हैं। इनको लगता है कि नहीं, आपसे प्यार ये नहीं करते, लेकिन फिर भी इनको महसूस होता है कि आप इनके साथ नहीं हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अकेले हो गए हैं। और आप भी ये सोचते होंगे गाइस कि बस अब ऐसे इंसान की तरफ नहीं बढ़ना, इनके साथ अब नहीं जुड़ना, क्योंकि ये तो आपके लिए कोई एक्शन लेते नहीं, आपकी तरफ खुद से बढ़ नहीं रहे हैं। पास्ट में कुछ भी आपके साथ किया है, गलती करके गए हैं, लेकिन फिर भी आज तक आपकी आपकी तरफ बढ़े नहीं, आपसे ना माफ़ी मांगे ना अपनी गलती माने, ये सब आपको भी लगता होगा। तो आपको अब ऐसे इंसान के लिए इंतज़ार नहीं करना, ये आप सोचते तो हैं, लेकिन क्या होता है फिर आप उनका वेट करते हैं कि आज नहीं तो कल। फिर ऐसा है कि हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ बढ़ जाए, तो आप वेट तो उनका करते हैं। और वहाँ पर वो इंसान भी मानने को तैयार नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी देखिए आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। नहीं चाहते याद करना, फिर भी आप उनको याद आते हो, आपको मिस करते हैं, आपके बिना अकेलापन महसूस करते हैं। और यहाँ पर आने वाले टाइम में ऐसा भी दिखाई देता है कि आप चाहोगे कि इस इंसान के लिए अब कुछ नहीं करना, इनके साथ अब जुड़कर रहना ही नहीं है, ना ही इनके पीछे भागना है। ये आप सोच तो लोगे, लेकिन आपको जब समझ में आएगा कि इंसान तकलीफ़ में है, कहीं से आपको पता चलेगा, आपको लगेगा कि इनको इनकी मदद करनी चाहिए, तो आप इनका साथ भी देंगे, ऐसा भी दिखाई देता है। भले इस रिश्ते में अभी परेशानी है और आप खुद उनकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से पता भी चलेगा कि ये इंसान को मदद की ज़रूरत है, तो आप सोचेंगे कि चलो दोस्त के नाते ही सही आप इनकी मदद कर देते हैं, आप ये तकलीफ़ में हैं तो इनको आपकी मदद करनी चाहिए। ये आप अपनी तरफ से खुद भी करेंगे, भले ही आप चाहते हैं अभी कि अब इनकी तरफ ध्यान नहीं देना, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा होता हुआ नज़र आता है कि आप इनकी हेल्प भी करेंगे। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं कि जो भी लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच हुए होंगे और आप दोनों जिसकी वजह से अलग हुए होंगे, तो उन सबको आप ख़त्म करके इनकी तरफ बढ़ें, आप इनको कॉल मैसेज करें, ऐसा भी ये इंसान चाहते हैं, ये जस्टिस चाहते हैं। और हो सकता है गाइस कि आप पुरानी बातों को नहीं भूल पा रहे हैं और इसी वजह से भी ऐसा है कि आप नाराज़ भी दिखाई देते हैं, इनकी तरफ बढ़ना भी नहीं चाहते। और आपके पर्सन चाहते हैं जो भी कुछ हुआ उसको आप भूल जाओ, जो पास्ट में हुआ है उसको आप भूल जाओ, और इस रिश्ते की नई शुरुआत वो करना चाहते हैं, तो उसमें आप उनका साथ दो, ये ऐसा चाहते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि ये इंसान आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ये फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, भले ये मानने को तैयार नहीं है कि इनको आपसे प्यार है, लेकिन यहाँ फ्यूचर तक की सोच है इनकी, ये भी बात है। और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं और कोई ऑफर भी आपको देना चाहते हैं, ऐसा भी है, लेकिन उम्मीद ही आपसे कर रहे हैं कि आप पहल करो। और आप दोनों के रिश्ते में गाइस कोई बाधा भी है, कोई अड़चन भी है, अब ये थर्ड पार्टी हो सकती है, यहाँ थर्ड पार्टी इनकी फैमिली, इनके अदर कोई रोमांटिक पार्टनर, इनके हस्बैंड वाइफ, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी हैं, ऐसा लगता है कि उसकी तरफ से यह इंसान
निकलकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा भी दिखाई देता है आने वाले टाइम में, ये थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर ये इंसान फंसा हुआ महसूस करते हैं और खुश तो आपके साथ रह पाते हैं, प्यार इनको आपसे मिलता है, वहाँ पर इनसे इंसान के साथ ऐसा कुछ है नहीं। क्या ये वहाँ पर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं अपनी जिम्मेदारियों की वजह से भी अटके हुए हैं और इनको वहाँ पर रहकर खुशी नहीं मिल रही, कोई समझता नहीं, कोई प्यार नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, ऐसा इनको लगता है, वहाँ पर भी रहकर इनको अकेलापन ही महसूस हो रहा है। तो ये आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी से निकलकर ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो देखिए ये अपने परिवार का है कि ये थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा सोचते थे और सोचते तो थे, लेकिन अभी ऐसा है कि अपने बारे में भी ये सोचना चाहते हैं, अभी सेल्फिश होते हुए नज़र आते हैं। पास में बहुत किया है थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने, लेकिन अभी अपने अपने बारे में सोचना चाहते हैं, अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ऐसा है कि अच्छे तरह से जीना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो ये सेल्फिश होते हुए नज़र आते हैं और इसीलिए यहाँ पर ऐसा है कि ये फैसला लेंगे कि इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी ये चाहते हैं वो सब कुछ तो आपसे मिलता है इनको। और आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं और आपके पर्सन हील होते हुए भी नज़र आते हैं, इस वजह से भी ये समझ पाएंगे कि इनको आपका साथ देना है। जहाँ भी ये अटके हुए हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, वहाँ से इनको निकल जाना चाहिए, इस बात को भी ये समझ पाएंगे। और आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं गाइस, तो आपको भी उनको सुनना होगा, समझना होगा और जिस तरह आप उनका साथ देते थे आपको भी देना होगा, क्योंकि हर कोई ऐसा ही इंसान चाहता है जो उन्हें सुने, समझे, उनका सुख दुख में साथ दे, और आपके पर्सन भी यही चाहते हैं और इस रिश्ते को वो दोबारा से ठीक करना चाहते हैं। आने वाले टाइम में तो यही है गाइस कि इक्वल बैलेंस आएगा और ऐसा है कि आप भी इनका सपोर्ट करेंगे, ऐसा भी है, आपको समझ में आएगा कि इनको आपकी ज़रूरत है और आप इनका सपोर्ट करेंगे, आप इनको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे और उसी की वजह से ये रिश्ता भी सुधरता हुआ नज़र आता है। और अभी आपके पर्सन का ये हाल है गाइस कि ज़िंदगी चल रही है, कह दीजिए आपके बिना खुश नहीं है, आपके बिना लाइफ में अब वैसा नहीं है जो पहले था, ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुलकर बातें कर लेते, एंजॉय करते थे आपके साथ, आपके साथ सुख दुख बांट लेते, हर दिन ऐसा था कि आपके साथ समय इनको थोड़ा ना थोड़ा समय तो आपके साथ बिताते ही थे, आपसे बात कर लिए उसी में इस इंसान को ऐसा था कि अच्छा लगता था, और अभी आपसे अलग होकर ऐसा हो गया है कि इनको कुछ भी सही नहीं लगता, बस ज़िंदगी कह दीजिए रोज़ की जैसे तैसे चल रही है, कट रहा है हर दिन, तो ये भी चाहते हैं कि इनकी लाइफ में भी ऐसा रहे कि अपनी लाइफ में ये बहुत जैसे पहले थे खुश रह पाते थे, आपके साथ बातचीत हो गई, घूम लिया, फिर लिया, टाइम स्पेंड कर लिया, वैसा ही फिर से चाहते हैं। तो आने वाले टाइम में तो यहाँ पर सब कुछ सही होता हुआ नज़र आता है, ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसा है कि आप भी इनका साथ देते हुए नज़र आते हैं, आप भी इनको ठुकराने वाले नहीं हैं। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए औरों को भी खुश रखिए। चाहिए रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।